फिरोज गांधी का मजहब। इंदिरा और फिरोज ने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। नेहरू की बीवी और इंदिरा की मां कमला नेहरू का टीबी के मर्ज से स्विट्जरलैंड में इंतकाल हो चुका था। फिरोज ने इनकी तीमारदारी की थी। इंदिरा गांधी भी फिरोज की तरह लंदन में ज़ेर तालीम थी, और इस बीच दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला। आखिरकार ये रुखबत रिश्ते में बदल गई। नेहरू डायनेस्टी के मुसन्निफ के एन रॉ के बयान के मुताबिक इंदिरा और फिरोज ने लंदन की एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया था। इसके लिए इंदिरा गांधी को इस्लाम कबूल करना पड़ा था, मगर मिस्टर राम ने अपने दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया। मजकूरा किताब के मुताबिक जब इन हालात की खबर महात्मा गांधी को मिली तो उन्होंने फौरन दोनों को भारत बुलवाया और इनकी शादी वैदिक तरीके से कराई। उन्होंने फिरोज जहांगीर खान का नाम तब्दील कराकर फिरोज गांधी कराया। नेहरू इस शादी के हक में नहीं थे, जिसके पीछे इनके सियासी मुफादात थे, मगर इन्हें आखिरकार हथियार डालना पड़ा। यह 1942 सन ईस्वी का वाकया है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक राजीव गांधी की पैदाइश के बाद इख्तिलाफात के सबब इंदिरा और फिरोज अलग हो गए थे। के एन राव ने लिखा है कि संजय गांधी फिरोज गांधी की औलाद नहीं है, बल्कि एक दूसरे शख्स मोहम्मद यूनुस की औलाद हैं। ये मोहम्मद यूनुस एक ब्यूरोक्रेट थे और इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। ये खारजा मामलात में इनके मुशीर थे और तुर्की, इंडोनेशिया, इराक और स्पेन में सफीर भी रहे। ये मुजाहिद आज़ादी थे और खान अब्दुल गफ्फार खान के काबिल एतमाद साथियों में से थे। मोहम्मद यूनुस का 17 जून 2001 ईस्वी में राजधानी दिल्ली में इंतकाल हुआ। उन्होंने अपनी याददाश्त पर मुश्तमिल एक किताब लिखी जिसका नाम पर्सन्स पैशन एंड पॉलिटिक्स का। इस किताब में इन्होंने इस सिलसिले में तो कुछ नहीं लिखा, अलबत्ता ये लिखा है कि संजय गांधी का इस्लामी तरीके के मुताबिक खतना किया गया था। मोहम्मद यूनुस संजय की मौत पर फूट फूट कर रोए थे। वो चाहते थे कि वो किसी मुसलमान लड़की से शादी करें। फिरोज गांधी का मजहब क्या था, ये तहकीक का मौजू हो सकता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि वो एक पारसी थे, लेकिन शायद इस मामले में कुछ कन्फ्यूजन है। इनके वालिद का नाम जहांगीर खान था, जो कि नवाब खान के नाम से मशहूर थे। बाज़ रिवायतों के मुताबिक ये एक ईरानी मुसलमान थे। के एन राव ने यह भी लिखा है, अलबत्ता इनकी माँ रित्ती माई पारसी से तब्दीली मजहब करने वाली नौ मुस्लिमा थी। इनके खानदान का सरनेम गंडी होता था। फिरोज गांधी को जो पारसी के तौर पर मशहूर किया गया, ये हिंदुस्तानी अवाम के मिजाज और यहाँ की सियासत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। फिरोज जहांगीर खान उर्फ फिरोज गांधी अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। इनके 2 भाइयों के नाम दोराब जहांगीर और फरीदून जहांगीर बताए जाते हैं, और बहनों के नाम तहमीना और उलोहाई। ईरानी मुसलमानों के नाम फारसी होते हैं, ये आम बात है, मगर पारसियों के नाम अरबी नहीं होते। इनके भाइयों के नाम के अल्फाज फारसी हैं, मगर इनके बहनों के नाम खालिस अरबी हैं। इससे सिलसिले में कुछ इशारा ज़रूर मिलता है। फिरोज के रिश्तेदारों का कुछ अता पता नहीं मिलता, अलबत्ता एक आधा जिनके बारे में कुछ खबर मिलती है और वो पारसी हैं। ये वो हैं जिनकी रिश्तेदारी इनकी नौ मुसलमा माँ की तरफ से थी। फिरोज गांधी की खबर आज भी इलाहाबाद के पारसी कब्रस्तान में मौजूद है। मुमकिन है इन्हें यहाँ दफन का फैसला भी इसी तनाजर में किया गया हो, जिसके तहत इन्हें एक पारसी के तौर पर मशहूर किया गया। अगर इन्हें एक मुसलमान बताया जाता तो आज इनकी औलाद को भारत में हुकूमत करना आसान ना होता। हालांकि पारसियों के तरीके के मुताबिक इनकी लाशों को एक ऊंचे मुकाम पर रखा जाता है, जहां गिद्ध और दूसरे मुर्दार खौर इसे खा जाते हैं, लेकिन फिरोज की लाश के साथ ऐसा नहीं किया गया। बहरहाल इससे खते नजर कि फिरोज गांधी मुसलमान थे या पारसी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि वो एक जबरदस्त सियासतदान थे और इनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं।